रोहित क्या कर रहा है ये? हैं क्या हो रहा है ये? ओह माय गॉड, सारे फेस में लग गया है। खेल रहा है आटा से? कोई खेलता है? हैं खेलता। जल्दी उठो वहाँ से। नहीं। उतरो जल्दी वहाँ से। नहीं। क्यों? ये फेस का क्या हाल बनाया है ये देखना, दिखाओ फेस, दिखाओ। ओह माय गॉड, ये क्या है? यहाँ पे भी आटा है, यहाँ पे आटा, यहाँ सब जगह आटा फैली हुई है। और यहाँ पे भी देखो, बाप रे, मेरे किचन का तो कबारा कर दिया इसने, है ना? हाँ। अब सफाई कौन करेगा? तुम। मैं तेरी नौकर हूँ। अब इस रोहित के स्कूल जाने का टाइम हो गया है और उसका मूड ना हमेशा ही ख़राब ही रहता है। मतलब उसके जब उठ के जाता ही नहीं है स्कूल, उसका बस लेते स्कूल कभी ना जाए। लेकिन क्या करें, पढ़ना भी ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अगर सब चीज़ एजुकेशन ही हो गया है आज के डिमांड में, और एजुकेशन नहीं है तो सोचिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम पेरेंट्स को भी थोड़ा सा दिल पर पत्थर रख के भेजना ही पड़ता है बच्चों को। इधर देखना, देखता भी नहीं है लेकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हंसी आइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं सुबह के 12 और मैंने सारा खाना पीना बना लिया है। और यहाँ पे मैंने आयुष को दिया था चावल और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी दिया था। तो चावल तो नहीं खाया था इसलिए मैंने निकाल लिया, लेकिन भुजिया जो था उसको सब छीट रहा है। बस इसको ये फैला के खाने में ही इसको अच्छा लगता है, थाल में दूंगी तो नहीं। रोहित क्या कर रहा है ये? हैं क्या हो रहा है ये? ओह माय गॉड, सारे फेस में लग गया है। तू क्या कर रहा है आटा लेके? बता जल्दी। खेल रहा है आटा से? कोई खेलता है? हैं खेलता। जल्दी उठो वहाँ से। नहीं। उतरो जल्दी वहाँ से। नहीं। क्यों? ये फेस का क्या हाल बनाया है ये देखना, दिखाओ फेस, दिखाओ। ओह माय गॉड, ये क्या है? यहाँ पे भी आटा है, यहाँ पे आटा है, यहाँ सब जगह आटा फैली हुई है। और यहाँ पे भी देखो, बाप रे, मेरे किचन का तो कबारा कर दिया इसने, है ना? हाँ। अब सफाई कौन करेगा? तुम। मैं तेरी नौकर हूँ। नहीं करूँगी, तेरे से ही पोछा लगवाऊंगी। अब जल्दी साफ कर। और मेरी ननद आती है तो ज़्यादातर हमारे घर में मीट मछली बनता रहता है। मछली नहीं छो, हाथ से नहीं छो, गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। रोहित मछली को साफ कर लेते हैं फिर बनाते हैं। मैं अभी मछली बना रही हूँ और मछली के साथ साथ मेरा यहाँ पे मसाला भी फ्राई हो रहा है। मसाले को भी भून रही हूँ। और देखिए मेरे बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं, मेरे दोनों बेटे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। इसका तो समझ में आता है, ये 4 साल कंप्लीट हो गया है तो स्कूल जाता है, पढ़ता है। बट इसका देखिए, इसका कितना इंटरेस्ट है। इसका हमेशा जब भी ये पढ़ने बैठेगा ना, जब भी ऐसे इसका सारा सामान लेगा ऐसे छितिर वितिर कर देगा, जैसे अभी फैला रखा है। कहाँ पर टिफ़न है, पेंसिल, बस ये ना फाड़ने में लगा रहता है ना। आयुष, आयुष भैया का कॉपी लेके क्या कर रहे हो बोलो? ये बस फाड़ रहा है ना। भैया का काम बढ़ा देते हो ना आप। आयुष अभी ये नहीं बोलेगा अभी मेरे से। मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और रात के बज रहे हैं अभी 12। आप लोग देख सकते हैं मेरे घड़ी में पूरा फुल रात को 12 बज रहा है और आयुष सो गया है। और 2 दिन से गर्मी इतनी मतलब तेज़ लग रही है, इतनी तगड़ा लग रहा है गर्मी। देखिए हाँ, रोहित कूलर चला के और बिल्कुल कूलर के पास में ही सोया है। और आप लोग सोच रहे होंगे रोहित आयुष के पापा और आयुष कहाँ हैं, तो लोग नीचे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि आयुष सोता तो है ही नहीं। इसलिए दोनों नीचे बैठे हुए हैं और सूरज खेल रहे हैं, दोनों टाइम पास करते हैं। देखिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बाय बाय। यहाँ पे देखिए आयुष आ रहा है नीचे से खेल कर, अभी आ रहा है या खुद से ही चल लेता है, है ना आयुष? आ जा और जोर लगा के, है या जोर लगाओ, जोर लगाओ, जल्दी से ऊपर आ जाओ। और अभी ये पूरा सीढ़ी चढ़ गया है, लेकिन बेचारा 2 सीढ़ी चढ़ने के लिए ताकत नहीं बचा है। ये देखिए आ गया नंगू बाबा।